नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि विटामिन ई की कमी क्यों हो जाती है, और यदि हो जाती है तो इसके लक्षण क्या है, और इसका होम्योपैथी का ट्रीटमेंट क्या है, और इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले समझते हैं हम इसके कारणों की कि भाई किस कारण ये हो जाती है। देखिए, विटामिन ई की यदि आपको कमी है, हो सकता है कि जेनेटिक हो, जेनेटिक के कारण भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई आपको मेडिकल ऐसी कंडीशन है, कोई लीवर की प्रॉब्लम है, इसमें विटामिन ई बनाना कम हो जाता है, या कोई ऐसी बीमारी है जो आपको लंबे समय से चल रही है, या आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसके साइड इफ़ेक्ट आपको हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही है, या हो सकता है कि आपको ऐसा खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जिसमें आप विटामिन ई ले रहे हो, ठीक है ना, आपकी डाइट में विटामिन ई नहीं है, ऐसा खाना नहीं ले रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देखिए, जो हमारी बॉडी है इसमें पहले से सारे विटामिन है, ऐसा नहीं ए बी सी डी ए, सारे विटामिन है। तो जब हमारी बॉडी को जिस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए हमारी बॉडी को विटामिन ए की ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी वहाँ से जहाँ स्टोर है वहाँ से विटामिन ए ले लेगी, ऐसे ही विटामिन ई ले लेगी। लेकिन जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के लक्षण देने लग जाती है कि आपको ये लक्षण है, आप सचेत हो जाइए, आप अभी से ही अपने डाइट में विटामिन ई ले लीजिए, ठीक है ना। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें इस विटामिन ई की कमी है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और आजकल जो न्यू बोर्न बेबी है उसमें भी देखा गया कि इनको भी विटामिन ई की कमी है, या जो समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है उसको भी विटामिन ई की कमी हो रही है। अब बात ये तो कारणों की हो गई, अब बात करेंगे लक्षणों के। देखिए, इसके ये बहुत ही यूनिक लक्षण है, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मसल्स क्रैम्प, मतलब मसल्स, जो मसल्स हैं उसमें कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने सुना होगा या आपको होता होगा आपके परिवार में कि हमारी नस पे नस चढ़ जाती है, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि सर नस पे नस चढ़ जाती है, या मसल्स ऐसी अकड़ जाती है, तो ये समझ लेना आपको विटामिन ई की कमी हो गई है। बहुत ही मेन लक्षण है, इसलिए मैं इसको पहले नंबर पे आए। जो स्किन है वो डल हो जाएगी, उनमें झुर्री पड़ जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसी लग जाएगी मुरझाई हुई सी, खुरदरी सी, पिगमेंटेशन हो जाएगा, झाई पड़ना चालू हो जाएगी। आप बहुत सी जो लेडी हैं उनको झाई पड़ जाती है, तो उनमें हम विटामिन ई जरूर देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ा, आज के जो लड़के हैं, यूथ हैं, आप देखो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसमें विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, समय से पहले गुच्छे में टूट रहे हैं। यदि 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का हमारे पास आता है, कहता है सर अभी से ही मेरे देखो सफ़ेद बाल हो गए, बाल ऐसे पकड़ता है झड़ रहे हैं। औरतें कहती हैं, लड़की कहती हैं कि सर बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपको विटामिन ई की कमी है। मेन लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको, फाइब्रॉइड, जिस महिला को फाइब्रॉइड है या बार बार सिस्ट बन रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी से भी होता है, और ये रियल है। इसलिए मैं जब भी ये मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं ज़रूर विटामिन ई की मेडिसिन देता हूँ, या मैं बताता हूँ कि आप ये ज़रूर कीजिए, और वाकई रिजल्ट आता है, मुझे पता चल जाता है। देखो, फेस पे पता चल जाता है, फेस देख के कि हाँ इसको विटामिन ई की कमी है, तब भी आपको ऐसा लग रहा है, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, मेमोरी लॉस, मतलब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, याद नहीं रहेगा, 4 दिन पहले की बात आपको याद नहीं रहेगी, हर बात आप भूल जाओगे, ठीक है ना। आपकी जो आई साइड है वो कमज़ोर होनी चालू हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम, मतलब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, आपको बार बार इन्फेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हो कि एक विटामिन ई की कमी की वजह से आपको कितने रोग हो गए हैं, और यदि आपका विटामिन ई प्रॉपर है, ठीक है, तो आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। अब बात करेंगे, इसमें मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस अपनी तरफ से ऐड करूंगा, जो मैं हर पेशेंट को देता हूं जिसको ये सिम्टम्स आते हैं या जिसको विटामिन ई की कमी है। देखिए, हर नट्स में विटामिन ई होता है, आप नट्स का इस्तेमाल कीजिए। मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको कि आप रात को 5 से 7 बादाम भिगो दीजिए पानी में, और सुबह छिलके उतार कर खाइए। ज़िंदगी में कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और विटामिन ए की कमी तो होगी नहीं, ये मैं हर पेशेंट को ज़्यादातर बताता हूँ, जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं। आज से ही आप गार्ड मान लीजिए कि रात को 5, 6, 7 जितने आप बादाम खाना चाहो,
वे पानी में भिगोने और सुबह छिलके उतार कर वे खाने। आप देखोगे वाकई रिजल्ट होगा, मतलब ये लक्षण तो ठीक हो जाएंगे, आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं शाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, स्किन की जो झुर्री है वो ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सस्ता इलाज है। अब बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इसमें एक ही होम्योपैथिक दवाई है, 5-HOS 6X में आप ले सकते हो, 4-4 गोली दिन में 3 बार। इसका सिरप भी आता है 5-HOS का, और टैबलेट भी आती है। और सबसे बड़ी बात है 5-HOS लेने से आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी की पूर्ति तो होगी, विटामिन ए बी सी डी ई के, मतलब सारी विटामिनों की पूर्ति हो जाएगी एक टैबलेट से 5-HOS से। किसी भी कंपनी के ले सकते हो, इंडियन जर्मनी, 4-4 गोली दिन में 3 बार। तब भी कोई क्वेश्चन है आपको या कोई बात समझ में नहीं आती या आप किसी भी बीमारी का इलाज चाहते हो, तो बेहिचक स्क्रीन पर मेरा नंबर है, या तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो या अपना मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेज सकते हो। इनवॉइस मैसेज आप अपना मुझे भेज दीजिए अपनी रिकॉर्डिंग करके, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा या हम आपको ट्रीटमेंट होम्योपैथी भेज दूंगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो आज बहुत ही अच्छी होगी। और जाते जाते एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से और जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।